भोपाल गैंगरेप की पीड़ित छात्रा ने पहली बार कैमरे पर आकर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे उसे एक थाने में ले जाया गया, फिर एक थाने से दूसरे थाने चक्कर लगाने पड़े उसे, कैसे जीआरपी पुलिस की के जो टीआई है वो बदतमीजी से बात करते थे। छात्रा ने कहा कि उसके माँ बाप पुलिस में है फिर भी इतनी परेशानी हुई है, सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा। पीड़ित ने दोषियों को फांसी देने की मांग भी की है। सुनिए, सबसे घटिया चीज तो पुलिस का बिहेवियर था। इस थाने से उस थाने, उस थाने से इस थाने, कम से कम 3-4 थाने में हम लोगों ने चक्कर लगाए। अब हम, मेरे दोनों पेरेंट्स पुलिस में, उसके बाद हमने ये सब फेस करे, तो आप सोच सकते हो आम पब्लिक कैसे फेस करती होगी। शाम को 7 बजे, 6:30-7 बजे तक हम लोग परेशान होते रहे। सुबह हम पहली बार 8 बजे थाने पहुंचे थे, स्पॉट पे गए थे, उनने पूरी वो क्या बोलते हैं सिचुएशन को देखा, जहां पर हुआ था वो स्पॉट भी देखा उनने, लेकिन उनने बोला कि ये मेरे इलाके में नहीं आता। उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकल रहे थे, तो फिर हम लोगों ने देखा तो एक बस्ती थी, तो मम्मी ने बोला एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। तो वहां पर चेक करने गए हम लोग, तो वहां पर एक खुले में बैठ के पत्ते खेल रहा था, तो उस टाइम में मैंने पहचान लिया और फिर उसको पकड़कर हम लोग पुलिस स्टेशन लेकर गए। जब वहां पर उसको पकड़ा गया तो उसकी पूरी फैमिली और उसकी कॉलोनी वालों ने अटैक कर दिया था बहुत बुरी तरीके से, हम उसे बाहर तक निकाल कर लेकर आए। उस टाइम पर हबीबगंज पुलिस थोड़ी सी सपोर्टिव थी, क्योंकि वो अंकल टीआई अंकल लोग थोड़े सपोर्टिव थे, सिर्फ हबीबगंज वाले सपोर्टिव थे, बाकी जीआरपी पुलिस और जो एमबी नगर वाली थी दोनों बिल्कुल सपोर्टिव। जीआरपी पुलिस सबसे बदतमीज थी। वो खुलकर बताती हुई कि किस तरीके से परेशानी हुई, ये वारदात 31 अक्टूबर की है, जब कोचिंग से घर लौट रही इस छात्रा के साथ 4 आरोपियों ने गैंगरेप किया। आरोप ये है कि 2 थानों के बीच विवाद की वजह से पीड़िता को केस दर्ज कराने में 2 दिन का वक्त लग गया। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। पहला, पुलिस पर गुस्सा उस छात्रा ने जाहिर किया है, और ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी।